और दोस्तों यहाँ पे पचौनी निकाला जा रहा है, जो दीदी घर से ही रेडी करके लाती है। दीदी पचौनी अच्छा एक ही बार तो बहुत पसंद करते हैं लोग ना। ये किस चीज का पचौनी है, चिकन का कि मटन का? चिकन का। अच्छा ये दोना कितना का है दीदी? 20 का। और काफी सस्ता है दोस्तों यहाँ पे, सिर्फ 60 रुपए आप यहाँ पे देख सकते हो चिकन लेग पीस दिया जा रहा है, जो कि काफी बड़ा होता है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी ही अच्छी तरीके से धीमी धीमी आंच पे यहाँ पे चिकन पोर्ट कलेजी को बनाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे हमारा देख सकते हो चूल्हे पे चिकन लेग पीस आ चुका है, अब उसे अच्छे से पकाया जा रहा है। हमारा चिकन लेग पीस है ये, देखो भाई ये कितना बड़ा सा यहाँ पे चिकन का लेग पीस दिया गया है, सिर्फ 60 रुपये में यहाँ पे आप देख सकते हो, लगभग हाफ के जी का हमको लगता है यहाँ पे इसमें चिकन होगा। और ये आप देख सकते हो ये जो दोना है ये हमारा 20 रुपये का लगभग है, 20 रुपये सीख मिलता है। और इसमें देख सकते हो चिकन पोट कलेजी है, चिकन सीख कबाब है, सारे चीजों को मिक्स करके दिया गया है। नमस्ते जोहार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं रांची के रिंग रोड के पोनको ओवर ब्रिज के पास में, जहाँ पे ओवर ब्रिज के नीचे में एक दीदी जो है काफी स्वादिष्ट चिकन पोट कलेजी और चिकन सीख कबाब बनाती है। और यहाँ का चिकन पोट कलेजी और चिकन सीख कबाब इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है कि जिसे खाने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, और इसे बिल्कुल देसी अंदाज में सखुआ के हरे पत्तल और हरे दोने में खिलाती हैं। साथ ही साथ काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी साफ सुथरे ढंग से यहाँ पे सारी चीज़ों को बनाया जाता है। और यहाँ पे जो दीदी हैं काफ़ी हार्डवर्किंग दीदी है, काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे सारी चीज़ों को बड़े ही चाव से बनाती है, जिसे खाने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और हमने सुना है कि यहाँ का चिकन सीख कबाब और चिकन लेग पीस काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और यहाँ पे सारे चीज़ों को बनाया कैसे जाता है उसकी आपको पूरी मेकिंग दिखाते हैं और उसे टेस्ट करते हैं, तो आइए मेरे साथ। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी ही अच्छी तरीके से धीमी धीमी आंच पे यहाँ पे चिकन पोट कलेजी को बनाया जा रहा है। तो लगभग इसे कितने टाइम तक पकाते हैं दीदी? इसको हाँ 15-20 मिनट, आधा घंटा में अच्छे से पक जाता है ना, कोयले की आंच से यहाँ पे पकाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सारे चीजों को कोयले की धीमी धीमी आंच पे पकाया जाता है। लोकेशन की बात करें तो आपको रांची के कोनको आना है, ओवर ब्रिज के नीचे में यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कोनको का रिंग रोड है, जहाँ पे ओवर ब्रिज के यहाँ पे बगल में दीदी का होटल है, छोटा सा होटल है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सारे चीजों को बनाते कैसे है उसकी आपको पूरी मेकिंग दिखाते हैं और उसे अब, और यहाँ पे आज हम चिकन और चिकन का लेग पीस भी खाने वाले हैं, तो वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहना और जो भी चीज चैनल पे नया है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी दीदी हैं जो आ चुकी हैं, और यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं दीदी? सीख बना रहे हैं। अच्छा चिकन को सीख में डाल रहे हैं। हाँ। इसे पकाएंगे ना? पकाएंगे। तो सारा मसाला घर से ही रेडी करके लाते हैं, मसाले को सब चीज बना उना रेडी करके लाते हैं। अच्छा तो यहाँ कितना टाइम लगता है सारा चीज को रेडी करने में? दो तीन घंटा लग जाता है ना। अच्छा तो दोपहर से ही काम एकदम शुरू कर देते होंगे ना? 10 बजे सुबह से ही। अच्छा और यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं दीदी? यहाँ पे वही पोट कलेजी बनाते हैं, लेग पीस है। अच्छा और वही बोलनेस बोलते हैं। हाँ 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 बिना हड्डी वाला। अच्छा बिना हड्डी वाला। हाँ। और ये चिकन का लेग पीस कैसे खिलाते हैं? उसको 60 रुपये बेचते हैं। सिर्फ 60 रुपये में? हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 60 रुपये में इतना बड़ा यहाँ पे आपको चिकन का पीस दिया जा रहा है। तो ये जो दीदी का होटल है ना काफी ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा सस्ते चीज यहाँ पे आपको खिलाया जाएगा। और यहाँ पे अभी देख सकते हो चिकन पोट कलेजी को यहाँ पे सीख में डाल के रखा जा रहा है, और इधर हमारा यहाँ पे चिकन का पीस है जिसमें की बोनलेस चिकन भी है, बोन वाला चिकन भी है, सारे चीजों को यहाँ पे मेरीनेट करके दीदी घर से लाती है और यहाँ पे अभी सीख में डाला जा रहा है। तो यहाँ हमारा चूल्हा रेडी हो चुका है, अब यहाँ पे चिकन कबाब को पकने के लिए जाली लगाया जा रहा है, और उसमें देख सकते हो थोड़ा सा पहले यहाँ पे तेल घिस दिया जा रहा है ताकि जो हमारा चिकन है वो इसमें चिपकेगा नहीं। हाँ, नहीं चिपकेगा इसमें। अच्छा और अब देख सकते हो यहाँ पे एक एक करके सारे सीख को यहाँ पे रखा जा रहा है। तो दीदी यहाँ पे कितना बजे तक लगाते हैं आप अपना दुकान? 3 बजे से। शाम का 3 बजे से? रात का कितना बजे तक लगता है दीदी? 9 बजे से। अच्छा शाम का 3 बजे से रात का 9 बजे तक। हाँ। अच्छा और यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा दीदी लोगों को खाने के लिए? यहाँ मिल जाएगा लेग पीस मिलेगा, पोट कलेजी मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। और बोलनेस वाला भी मिलेगा। अच्छा अच्छा और कैसे खिलाते हैं?
20 रुपया हाँ। पूरा मतलब एक सीख का 20 रुपया बनता है 20 रुपया और मैरिनेट करके घर से ही लाते हैं इसको। हाँ घर से लाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक करके अभी सारे चिकन कबाब और चिकन पोट कलेजी को अच्छी तरह से पहले आधा आधा करके इसे पका लेते हैं ना दीदी। हाँ। जब लोग आते हैं तो फिर उन्हें गरम हाँ। करके दे दिया जाता है ना करके थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ मतलब पूरा अच्छा से पका खाने में थोड़ा मजा आता है। सही बोले गरम का तो मजा ही अलग है। और एक बार यहाँ का लोकेशन बता दीजिएगा ना दीदी लोग कैसे आएंगे जगह का क्या नाम है। यही टोनको मुर्गा बाजार। टोनको मुर्गा बाजार अच्छा तो दोस्तों ये आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ से आप इधर से बिरसा चौक रेलवे स्टेशन बिरसा चौक विधानसभा भी जा सकते हो हाँ। और इस ब्रिज का नाम है टोनको। तो इसी ब्रिज के यहाँ पे कोने में दीदी का यहाँ पे जो है दुकान लगता है जहाँ पे काफी भीड़ लगी रहती है। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और दीदी 3 बजे से ही आ जाती हैं। शाम देखते ही अब देख शाम होते ही आप यहाँ का नजारा देखना वो एकदम बदल जाएगा। और काफी सस्ता है दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 60 रुपए आप यहाँ पे देख सकते हो चिकन लेग पीस दिया जा रहा है जो कि काफी बड़ा होता है। और अभी हमारा क्या बनने वाला है दीदी अभी हाँ? बोनलेस वाला बनाएंगे बोनलेस चिकन कबाब और चिकन लेग पीस ना अच्छा तो यहाँ तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चिकन लेग पीस आ चुका है और इधर बोनलेस चिकन कबाब को रेडी किया जा रहा है सीख में डाला जा रहा है और इसी चूल्हे पे यहाँ पे हमारा इसे रेडी किया जाएगा बड़े से मिट्टी की चूल्हे पे कोयले की आंच से यहाँ पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे कितना बजे दुकान लगा देते हैं दीदी 3 बजे तक 3 बजे तक लग जाता है 3 से कितना बजे तक 9 बजे तक 9 बजे तक ना अच्छा और डेली खोलते हैं दुकान डेली खोलते हैं डेली ना और सारा चीजों को जितना भी जैसे पका के देते हैं रोस्ट करके तो सब सखवा के दोना में ही खिलाते हैं सखवा के दोना में खिलाते हैं चटनी के साथ में किस चीज का चटनी रहता है दीदी यही सरसों वाला और सरसों वाला और धनिया पत्ता भी रहता होगा धनिया पत्ता का चटनी अच्छा। हाँ अभी हमारे लिए चिकन का एक बड़ा सा लेग पीस दीदी जो है रेडी कर रही है और दो यहाँ पे चिकन सीख कबाब को रेडी किया जा रहा है। तो लेग पीस का दाम 60 रुपए है और सीख कबाब का दाम 20 रुपए सीख है और काफी अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हो धीमी धीमी आंच पे इसे पकाया जा रहा है और काफी सारे लोग यहाँ पे डेली खाने के लिए आते हैं। तो शाम के टाइम में बहुत भीड़ रहता है ना दीदी कितना बजे लोग आते हैं खाने के लिए 7 बजे तक आ जाता है 6-7-8 के बीच में बहुत भीड़ रहता है ना सब ड्यूटी वाला रहता सब ड्यूटी वाला और दोस्तों यहाँ पे हमारा देख सकते हो चिकन लेग पीस और सीख कबाब रेडी हो चुका है। तो चलिए देर नहीं करते हैं फटाफट हम इसे टेस्ट करते हैं फिर आपको इसका टेस्ट बताते हैं। ये देखो यहाँ हमारा चिकन सीख कबाब आ चुका है और काफी बढ़िया दिख रहा है। तो अब इसके ऊपर से यहाँ पे नींबू और प्याज डाला जाएगा ना दीदी तो यहाँ हमारे ऊपर से नींबू आ चुका है ये देखिए ऊपर से आ चुका है नींबू और इसको अच्छे से मिला लिया जा रहा है और इसमें अभी पड़ने वाला है थोड़ी सी प्याज। अब ये हमारा ऊपर से प्याज आ चुका है और यहाँ हमारा जो है दोना रेडी हो चुका है। तो चलिए फटाफट हम इसे टेस्ट करते हैं फिर आपको इसका टेस्ट बताते हैं। और यहाँ पे ऊपर से ये क्या डल रहा है दीदी सरसों वाला अच्छा सरसों का चटनी है अच्छा ये घर में ही तैयार करते हैं नहीं बोतल वाला रहता है ना तो यहाँ हमारा सरसों का चटनी आ चुका है अब इसके बाद यहाँ पे सरसों और धनिया पत्ता की चटनी के साथ इसे खिलाया जाता है। ये बोनलेस वाला है को 30 रुपया कलेजी का कलेजी एक और मीट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है आप यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा चिकन लेग पीस है। ये देखो भाई ये कितना बड़ा सा यहाँ पे चिकन का लेग पीस दिया गया है सिर्फ 60 रुपए में यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग हाफ केजी का हमको लगता है यहाँ पे इसमें चिकन होगा। और ये आप देख सकते हो ये जो दोना है ये हमारा 20 रुपए का लगभग है 20 रुपए सीख मिलता है और इसमें देख सकते हो चिकन पोट कलेजी है चिकन सीख कबाब है सारे चीजों को मिक्स करके दिया गया है और बहुत ही अच्छी से यहाँ पे देख सकते हो मिर्चा को भी यहाँ पे पका के दिया गया है ये मिर्चा है ये प्याज है धनिया पत्ता और सरसों की चटनी के साथ में हमें यहाँ पे इसे दिया गया है। और ये हमारा सरसों का चटनी आ चुका
और यहाँ पे हमारा आ चुका है धनिया, हमारा आ चुका है धनिया। इसमें थोड़ा सा हम इसे डिप करेंगे और अब हम इसे टेस्ट करते हैं ये कैसा है। ये जो चिकन के सीख कबाब की बात करें तो ये हमारा 20 रुपये का है जो कि काफ़ी अच्छी तरह से पकाया गया है, साथ ही इसमें चाट मसाला, नींबू और ऊपर से धनिया पत्ता और प्याज को डाला गया है। और इसके साथ जो हमें यहाँ पे मिलता है वो है चटनी सरसों वाली, जिससे कि इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। ये देखो, तो अब हम इसे यहाँ पे सरसों की चटनी के साथ थोड़ा सा डिप करेंगे और ये फिर से हमने धनिया पत्ता का चटनी लिया ये देखो, और अब हम इसे ट्राई करेंगे। सच में मजा आ गया। तो यहाँ का जो सीख कबाब है ना काफी बढ़िया लगा सच में। ये जो दीदी है ना बहुत बढ़िया चिकन कबाब और चिकन सीख कबाब, चिकन पोर्ट कलेजी बनाती है। तो अब यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं अपना फेवरेट चिकन लेग पीस। और आप ये देखो भाई, इसमें भी धनिया पत्ता की चटनी और सरसों की साग के साथ में दिया गया है। तो ये देखो, पहले में जो सरसों की चटनी के साथ में डीप करेंगे और ये हमारा आ चुका धनिया पत्ता का चटनी और अब हम इसे टेस्ट करेंगे। तो अब ये हमारा आ चुका, अब हम इसे फटाफट टेस्ट करते हैं। भाई वाह, बहुत बढ़िया, काफी सौंधा सौंधा टेस्ट आ रहा है। मिट्टी के चूल्हे पे कोयले की आंच से इसे धीमी धीमी आंच पे पकाया गया है और काफी अच्छी तरह से ये पक चुका है। तो यार सच में इसका जो टेस्ट है ना लाजवाब है। तो अगर आप भी रांची से हो या कभी रांची आते हो तो एक बार यहाँ के पोट कलेजी को और यहाँ के चिकन सीख कबाब और यहाँ के लेग पीस को एक बार जरूर ट्राई करना, और आपको टेस्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ की लोकेशन की बात करें तो आपको रांची के बिरसा चौक से 6 किलोमीटर आगे आना है। यहाँ पे एक जगह का नाम है कोनको, तो कोनको का जो ओवर ब्रिज है उसी के नीचे में यहाँ पे कॉर्नर में दीदी का यहाँ पे दुकान है, तो आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हो। तो सच में इसका टेस्ट काफी बढ़िया है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।